बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान स्पेशल में आज की रेसिपी है चिकन चीज़ सीख कबाब। इनको बनाइए और फ्रीज़ कीजिए रमज़ान में इस्तेमाल के लिए। इससे पहले कि रेसिपी बनाने का आगाज़ करें, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो के नीचे दाई जानिब दिए गए सब्सक्रिप्शन के लाल बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ दिए गए बेल आइकन के बटन को भी क्लिक कर लीजिए ताकि हर नई आने वाली रेसिपी का अलर्ट आपको मिल सके। अब रेसिपी का आगाज़ करते हैं, लेकिन आप इस रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप इनको फ्रीज़ करने का तरीका जान सकें। आइए फिर रेसिपी शुरू करते हैं। चिकन चीज़ सीख कबाब बनाने के लिए 300 ग्राम मुर्गी का गोश्त लिया है बग़ैर हड्डी के। इसमें शामिल करेंगे एक प्याज छोटे साइज़ का, 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें, सब्ज़ धनिया बारीक कटा हुआ, 1 चाय का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, चेदर चीज़ क्रश किया हुआ शामिल कर देंगे इसमें 1/2 प्याली, 1 ब्रेड का स्लाइस लेके उसको मैंने चूरा कर लिया है वो शामिल कर देंगे, नमक हस्बे ज़ायका, कुटी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, भुना और कुटा हुआ धनिया 1 चाय का चम्मच, भुना और कुटा हुआ ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, हल्दी पाउडर 1/4 चाय का चम्मच, घी 1 खाने का चम्मच। आप मक्खन भी शामिल कर सकते हैं इसकी जगह पे। अब इन तमाम अशिया को अच्छी तरह से पीस लेंगे। घी मैंने इसलिए इसमें डाला है क्योंकि मुर्गी का जो गोश्त होता है वो काफ़ी रूखा होता है, तो उसको थोड़ा सा चिकना करने के लिए मैंने इसमें घी का इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास चॉपर की सहूलत नहीं है तो आप वैसे मुर्गी का कीमा लेंगे, उसमें ये तमाम अशिया मिक्स करके कबाब बना सकते हैं। इतनी देर तक इसको पीसेंगे कि तमाम अज्जा अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं आपस में। कीमा तैयार हो चुका है, ये देखें तमाम अज्जा अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। अब इस कीमे को एक प्याले में निकाल लेंगे। अब 1/2 घंटा फ्रिज में रखेंगे। 1/2 घंटा हो चुका है, हाथों को तेल से चिकना कर लेंगे। थोड़ा सा मेज़ा लेंगे हाथ में और सीख कबाब की शक्ल में इस मेज़े को शेप कर लेंगे। ये देखें ऐसे ही सारे कीमे के कबाब बनाएंगे। सारे कीमे के कबाब तैयार हो चुके हैं। इनको फ्रीज़ करने के लिए एक ट्रे में इनको थोड़े थोड़े फासले के ऊपर रखेंगे। अब 1 से 2 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख देंगे। कबाब जम चुके हैं, अब इनको किसी एयर टाइट बॉक्स में या आप किसी एयर टाइट लिफाफे में भी डाल के रख सकते हैं। जमने की वजह से ये कबाब सख्त हो चुके हैं, इसलिए ये अब एक दूसरे के साथ चिपकेंगे भी नहीं और ना ही ये डी शेप होंगे। अब आप इनको चाहे तो फ्रिज की ग्रिल पे रखिए फ्रीज़र में, या उसकी साइड शेल्फ में रखिए और जब आपको ज़रूरत हो निकाल के इस्तेमाल करिए। दरमियानी आंच के ऊपर पैन रखा है, 1 से 2 खाने के चम्मच तेल के शामिल करेंगे। अब ये कबाब तलने के लिए इसमें डाल देंगे।
आंच ज़्यादा तेज़ नहीं रखेंगे, धीमी से दरमियानी के दरमियान, ताकि कबाब अंदर तक अच्छी तरह से पक जाएं। एक तरफ से सिक जाएं तो अतराफ इसकी तब्दील करेंगे और ऐसे ही पलटते हुए इनको हर तरफ से बराबर पका लेंगे। कबाब तकरीबन हर तरफ से बराबर से फ्राई हो चुके हैं। अब इनको किचन टॉवल पे निकाल लेंगे ताकि इनमें से ज़ायद तेल निकल जाए और उसके बाद फिर इनको अपनी सर्विंग प्लेट में शिफ्ट कर लेंगे। चिकन चीज़ सीख कबाब को सर्विंग प्लेट में शिफ्ट कर लिया है, अब ये रेडी टू सर्व हैं। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को, अभी से बना के रमज़ान के लिए फ्रीज़ कर लीजिए और रमज़ान में निकाल के इनको बनाइए और इन्जॉय कीजिए। रेसिपी आपको कैसी लगी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर भी कीजिएगा। मज़ीद मेक एंड फ्रीज़ रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए।